लॉजिस्टिक्स यानी ढुलाई लागत सुनने में भारी और बोरिंग शब्द लगता है। इसके बढ़ने या घटने का फर्क ज्यादातर लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन अगर हम आपको ये बताएं कि लॉजिस्टिक्स की लागत कम होने से आपके लिए टीवी, मोबाइल फोन और कंप्यूटर खरीदना सस्ता हो जाएगा, तो जरूर ही लॉजिस्टिक्स का मतलब और इसके असर को हर कोई समझना चाहेगा। दरअसल इसको आम भाषा में उस खर्च को कहा जाता है जो किसी भी सामान को फैक्ट्री से लेकर दुकान तक ले जाने में ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च होता है। बीते 2 साल में यह खर्च काबू के बाहर हो गया था, लेकिन अब इस खर्च में कमी आने लगी है। ऐसे में टीवी, मोबाइल फोन और कंप्यूटर्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण सस्ते होने वाले हैं। इन सामानों की कीमतें और इन्हें फैक्ट्री तक पहुंचाने में लगने वाली ढुलाई लागत 2 साल में रिकॉर्ड हाई लेवल छूने के बाद अब प्री कोविड लेवल तक कम हो गई है। कंपनियां इनपुट लागत में आई इस गिरावट का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की योजना बना रही है। उम्मीद है कि फेस्टिव सीजन में डिमांड को बढ़ाने के लिए कंपनियां ग्राहकों को इन सामानों को सस्ते में बेचने का फैसला कर सकती है। बीते 1 साल से जारी सुस्त डिमांड का दौर खत्म करने के लिए कंपनियां दिवाली के दौरान इनके दाम कम कर सकती है। लागत में गिरावट से कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स में इसके इजाफे की उम्मीद है। इसकी वजह है कि चीन से कंटेनर्स के लिए ढुलाई लागत घटकर $850 से $1,000 तक रह गई है। कोविड के समय से ये लागत $8,000 के हाई पर थी। ऐसे में समझा जा सकता है कि कंपनियों के पास दाम घटाने की अब भरपूर गुंजाइश है। पहले कॉस्ट बहुत ज्यादा थी, बिकॉज़ सेमीकंडक्टर की वर्ल्ड वाइड शॉर्टेज थी। अब सेमीकंडक्टर की अवेलेबिलिटी बढ़ गई है, बल्कि वहाँ पे ग्लट हो गया, तो अब आपको प्राइसेस बहुत क्रैश कर गई। और दूसरा, फ्रेट जो चाइना से आने का लगता था, पहले फ्रेट बढ़ते बढ़ते $8,500 पे पहुंच गया था, अब वो गिर के फिर 850-1100 रुपये पर कंटेनर आ गया। तो प्राइस आपकी, तो इस सीजन में जो प्राइस होगी आपकी, हमारे एक्सपेक्टेशन है कि प्राइस कम होनी चाहिए या फिर मॉडल अपग्रेड हो जाएंगे उसी प्राइस में। लॉजिस्टिक्स लागत के अलावा निर्माण लागत में भी अब भारी कमी आई है। सेमीकंडक्टर चिप्स की लागत अब तक के न्यूनतम स्तर पर आ गई है। ये कोविड के समय के मुकाबले घटकर महज 10% रह गई है, जबकि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की कीमत 60-80% तक घट गई है। हालांकि इसकी एक वजह ग्लोबल डिमांड में आई गिरावट भी है। स्मार्टफोन्स के मामले में भी चिप्स के साथ कैमरा मॉड्यूल्स और दूसरे स्मार्टफोन कंपोनेंट्स की कीमत में कमी आने से इनके दाम में फेस्टिव सीजन में डिमांड को बढ़ाने के मकसद से कंपनियां घटा सकती हैं। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।